हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया हुआ है द इनसाइड पेरीमीटर ऑफ अ रनिंग ट्रैक एज शोन इन द फिगर इज 340 मीटर। एक ये सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है, रनिंग ट्रैक, और इसका इनर पेरीमीटर दिया हुआ है 340 मीटर। द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रेट पोर्शन इज 60 मीटर एंड द कर्व पोर्शन आर सेमी सर्कल्स। इफ द ट्रैक इज 7 मीटर वाइड फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक, ऑल्सो फाइंड द आउटर पेरीमीटर ऑफ द ट्रैक। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक तो ये ट्रैक दिया हुआ है, ट्रैक का जो ये एंड पार्ट है, अगर ये दिया हुआ है द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रेट पोर्शन इज 6 मीटर। यहाँ से जो कर्व होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ तक स्ट्रेट पोर्शन है, इसके बाद ये कर्व हो रहा है, तो जो पार्ट कर्व हो रहा है ना वो दिया हुआ है कि वो सेमी सर्कल है, ठीक है, और जो स्ट्रेट पोर्शन है उसका लेंथ दिया हुआ है 60 मीटर। इफ द ट्रैक इज 7 मीटर वाइड और जो ट्रैक का विड्थ दिया हुआ है, पूरे हर जगह पे जो ट्रैक का विड्थ है वो है 7 मीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रैक कैलकुलेट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। तो एरिया ऑफ ट्रैक हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको पार्ट पार्ट में बांट देते हैं। ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, और ये एक बड़े सेमी सर्कल में से ये छोटा सेमी सर्कल अगर माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा, और इस पार्ट का जो एरिया होगा वही इस पार्ट का भी एरिया होगा, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबरिंग कर देते, ये हो गया है पार्ट 1, ये हो जाएगा पार्ट 2, ठीक है, ये तो क्लियरली विजिबल है रेक्टेंगल, या चाहे तो इसको भी पार्ट 3 और इसको पार्ट 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है, जो वहाँ से स्टार्ट करते हैं, इनसाइड पेरीमीटर दिया हुआ है, द इनसाइड पेरीमीटर ऑफ द रनिंग ट्रैक, ये पूरा पार्ट का लेंथ दिया हुआ है, इनसाइड पेरीमीटर दिया हुआ है 340 मीटर। तो लेंथ ऑफ इनर कर्व्ड पोर्शन, सिर्फ कर्व्ड पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा, ये जो 340, ये पूरे का मिला के लेंथ 340 है, 340 में यहाँ से यहाँ तक 60 हो गया और ये 60 हो गया, तो 60 60 120, अगर 120 सबट्रैक्ट कर दें पूरे 340 में से, अगर 120 सबट्रैक्ट कर दें तो सिर्फ इसका और इसका मिला के लेंथ हमें पता चल जाएगा, तो वही कर रहे हैं, लेंथ ऑफ इनर कर्व्ड पोर्शन, जो इनर कर्व्ड पार्ट है उसका लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 340 में से 60 × 2 60 और ये 60 सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो ये आ गया 220 मीटर। मतलब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ मिला के कितना होगा, 220 मीटर। तो लेंथ ऑफ ईच इनर कर्व्ड पोर्शन, दो कर्व्ड पार्ट हो रहा है, एक ये और एक ये, दोनों का मिला के 220 है, तो एक सिंगल का लेंथ कितना हो जाएगा, 110 मीटर। लेंथ ऑफ ईच इनर कर्व्ड पार्ट इक्वल टू 110 मीटर। और जो ये इनर कर्व्ड पार्ट है ये क्या है, एक सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर हो गया 110 मीटर। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर, पूरा सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो ये क्या है, आधा सर्कल, सेमी सर्कल, तो 2πr/2 इक्वल टू 110 मीटर। 2 कैंसिल हो गया, पाई आर इक्वल टू 110 मीटर, यानी 22/7 इंटू आर इक्वल टू 110, आर इक्वल टू 110 इंटू 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे आ गया, 22 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो आर इक्वल टू 5 इंटू 7 35 मीटर। तो जो ये ट्रैक है उसका इनर रेडियस कैलकुलेट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पार्ट आ गया ये आ गया 35 मीटर, ठीक है। तो इनर रेडियस इक्वल टू 35 मीटर। तो आउटर रेडियस कैसे मिलेगा, आउटर रेडियस के लिए क्या करेंगे, इनर रेडियस में ये 7 ऐड कर देंगे जो थिकनेस है, ठीक है, तो 35 + 7 इक्वल टू 42 मीटर, ये आउटर रेडियस पता चल गया, ठीक है। तो अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्रैक कैलकुलेट करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रैक कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रैक, तो एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस पार्ट 3 प्लस पार्ट 4, तो एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 1 और पार्ट 2 का भी एरिया पार्ट 1 के ही बराबर होगा, तो सिर्फ हम पार्ट 1 के एरिया को कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो पार्ट 3 और पार्ट 4 का भी एरिया इक्वल है, तो एरिया
ऑफ पार्ट थ्री निकाल के उसको भी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात बराबर है, ठीक है। तो ये आगे टू पूरे में कॉमन हो जाएगा, चाहे रहने देते। एरिया ऑफ पार्ट वन, जो पार्ट वन है इसका एरिया कैसे मिलेगा, तो इस हाफ सेमी सर्कल के एरिया में से ये छोटे सेमी सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पार्ट वन का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो टू इंटू एरिया ऑफ पार्ट वन, तो पाई आर स्क्वायर बाई टू माइनस पाई आर स्क्वायर बाई टू। पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल के एरिया के लिए होता है, तो ये हाफ सर्कल है तो हाफ सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई टू, और ये छोटा सेमी सर्कल इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर बाई टू। टू इंटू एरिया ऑफ पार्ट थ्री, पार्ट थ्री एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है जिसका कि लेंथ 60 है और ब्रेथ 7 है, तो 2 इंटू 60 इंटू 7, 60 लेंथ 60 इंटू ब्रेथ 7 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई बाई टू तो कॉमन आ गया, 2 इंटू पाई बाई टू ब्रैकेट के अंदर बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 6 7 जा 42, 42 इंटू 2 840, तो इधर तो आ गया 840, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ लिखते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो जो ये आउटर बड़ा आर है, आउटर रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, ये आ गया 42, 42 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर प्लस 840, ठीक है। तो 22 बाई 7, 42 का स्क्वायर हो गया 1764 माइनस 35 का स्क्वायर 1225 प्लस 840, 1764 में से 1225 सबट्रैक्ट करेंगे, 14 में से 5 गया 9, 5 में से 2 गया 3, 17 में से 12 गया 539, तो 22 बाई 7 इंटू 539 प्लस 840, 7 से कट जाएगा 7, 7 जा 49, बच गया फिर 49, तो ये फिर अगेन 7 से 7, 7 जा 49, तो 22 इंटू 77 प्लस 840, तो ये हो जाएगा 77, 22, 2, 7 जा 14, 1, 2, 7, 154, 154, 4, 9, 6, 1, 6, 9, 4 प्लस 840, तो ये आ गया 1694 और 844, 2534 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रैक 2534 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें और पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द आउटर पेरीमीटर ऑफ द ट्रैक, तो आउटर पेरीमीटर भी हमें कैलकुलेट करना है, तो थोड़ा सा उसके लिए प्लेस बनाना होगा। आउटर पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 60, ये 60 प्लस 60 और ये पार्ट और ये पार्ट को हमें तो ये कैलकुलेट करते हैं आउटर पेरीमीटर। तो आउटर पेरीमीटर कैसे मिलेगा हमें, लेंथ ऑफ आउटर कर्व्ड पार्ट प्लस 2 इंटू 60, ये 60 और ये वाला पार्ट, तो ये आधा सर्कल और ये आधा सर्कल मिल के क्या बन जाएगा, पूरा एक सर्कल बन जाएगा। तो लेंथ ऑफ आउटर कर्व्ड पार्ट क्या हो गया, 2 पाई आर से कैलकुलेट हो जाएगा प्लस 60 इंटू 20 आ गया 120, तो 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू जो कैपिटल आर है वो कितना आया था 42 प्लस 120, 7 से कट गया ये 6 बार में, तो 6 टू जै 12 इंटू 22 प्लस 120, 24 इंटू 11 प्लस 120, यहाँ से 2 निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 12 इंटू 2 24 हो गया और ये 11 हो गया प्लस 120, 24 इंटू 11 ये हो जाएगा 264 प्लस 120, तो 200 और एक 300, 384 मीटर। तो ये आ गया लेंथ ऑफ आउटर, ये आ गया फाइंड द आउटर पेरीमीटर, आउटर पेरीमीटर आ गया 384 मीटर। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
अगर आपको वीडियो समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।